हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवझायाणम नमो लोये सवसाहूनम। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमोस्तु। द्वादशां श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती माता को भावपूर्ण वंदन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। अमृत महोत्सव के केंद्र बिंदु हीरक जयंती को प्राप्त हुए आचार्य कुंतु सागर महाराज श्री को नमोस्तु। और जिस भूमि पर हम लोग विराजमान हैं आचार्य शांति सागर महाराज श्री की कर्म भूमि, उन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज श्री को विनम्र नमोस्तु। सभी मुनिराजों को, भारत के समस्त आचार्य उपाध्याय साधुओं को, आर्यिकाओं को, एलक्ष लक्षलिकाओं को, योग्य समाचार नमोस्तु। वंदामि इच्छाकार प्रतीक्षाकार वंदा माता जी। वंदा माता दंसन वय सामाय पोस सचित्राय भत्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अणुमण उद्दिठ दे सविरदोय। बारसन वेखा गुमटसर जीवकांड धवला आदि विभिन्न ग्रंथों में ये एक गाथा पुरातन काल से चली आ रही है। इस गाथा में श्रावक धर्म के 11 भेद बताए, जिनको आज 11 प्रतिमा कहते हैं। आचार्य सामंत भद्र स्वामी ने उन 11 भेदों को 11 पद कहा। आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने उन 11 भेदों को 11 स्थान कहा। और अभी कुछ ही दशकों पूर्व आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री थे, उन्होंने इन 11 भेदों को 11 जितेंद्रियता की सीढ़ियां कहा। तो इन 11 स्थानों का अपन स्वाध्याय कर रहे थे, क्योंकि जिन शासन में मुनि धर्म और श्रावक धर्म, गृही धर्म गृहस्थ धर्म, इन दो धर्मों का विवरण था, तो गृहस्थ धर्म के 11 भेद। तो प्रथम भेद में जिसका नाम दर्शन प्रतिमा है, अपन ने 4 बातें देखी थी। एक तो दर्शन प्रतिमा में सम्यक दर्शन को निरतिचार रखने का प्रयत्न किया जाता है, अतिचार होते हैं तो प्रतिक्रमण किया जाता है। फिर दूसरा भेद था, दूसरा उसमें नियम था, संसार शरीर और भोगों के प्रति आसक्त न होते हुए निर्विण रहना, निर्वेद युक्त रहना, अनासक्त रहना। और तीसरा नियम था कि पंच परमेष्ठियों के चरणों से ही रक्षा की पुकार करना है। कभी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो संकट निवारण के लिए अन्यत्र नहीं जाना, पंच परमेष्ठियों के चरणों को ही रक्षक मानकर उनकी आराधना करना है। अब उस दिन प्रश्न था कि फिर संकट निवारण के लिए इनके पास ना जाए तो फिर इनके पास क्यों जाए? तो इनके पास जाने के कई और भी हेतु होते हैं। जैसे शासन देवताओं की बात निकली थी, तो शासन देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं? तो अनेक उसके वो बन सकते हैं। 5 भंग वैसे आगम के अनुसार देखने पर समझ में आते हैं कि 5
प्रकार की भावनाओं को लेकर लोग शासन देवताओं की आराधना करते हैं। तो उन पांच भावनाओं में एक तो ये है कि मंदिर में जो भी है वो बस भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मानकर मंदिर में विराजमान जिनेन्द्र देव और मंदिर में स्थापित शासन देव देवताओं को समान मानकर पूजा के अनुष्ठानों में उनका सत्कार करते हैं। सत्कार का अर्थ होता है द्रव्यार्पण भी करना और साथ में स्तुति भी करना, इसको सत्कार कहते हैं। पूजा प्रशंसात्मक सत्कार सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, 22 परिषहों के वर्णन में सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अंदर सत्कार शब्द का अर्थ बताते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, सत्कार पूजा प्रशंसात्मक, पूजा भी करना प्रशंसा भी करना। तो समान मानकर जो लोग ऐसा करते हैं उनके विषय में यशस्तिलक चंपू ग्रंथ में आचार्य सोमदेव सूरी लिखते हैं, देवं जगत त्रयी नेत्रम व्यंतराद्याश्च देवता समं पूजा विधानेषु पश्यन् दूरं व्रजे ददः। एक ध्यान देने की बात है, श्लोक के एक एक शब्द का अपन अर्थ करते हैं। जगत त्रयी नेत्रम देवम, तीनों जगत के लिए अर्थात जगत त्रय के लिए नेत्र स्वरूप, नेत्र स्वरूप का अर्थ क्या है, नेत्र का काम है दिखाना और त्रिलोकी नाथ का काम भी दिखाना है। क्या दिखाना है, जो जो दिखाने योग्य है, भगवान अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा सब कुछ दर्शा देते हैं और जो शेष रह जाता है वो श्रोता पुरुषार्थ करके केवली बनकर देख लेता है। बाकी सब भगवान दिखा देते हैं। तो जगत त्रयी नेत्रम, जिनेन्द्र भगवान तीनों जगत के लिए नेत्र के समान है उनको, और व्यंतराद्याश्च देवताः, व्यंतरादिक जो शासन देवता है भले ही जैन धर्म से जुड़े हुए हैं लेकिन वो सेवक हैं और त्रिलोकीनाथ भगवान स्वामी हैं। इन दोनों को पूजा विधानेशु, पूजा विधानेशु बहुवचन है, स्पष्ट है कि केवल एक जिनेन्द्र की पूजा नहीं है, इनकी भी अलग से पूजाएं हैं। तो उन पूजा विधानों में विधान का अर्थ अनुष्ठान होता है, क्रिया होता है, विधि होती है। तो उनमें समम पश्यन, समान मानने वाला, दूरम अधः व्रजेत, दूर नीचे को प्रस्थान कर जाता है अर्थात अधोगामी होता है, दुर्गति का पात्र होता है। जो स्वामी और सेवक को एक बराबर मानकर पूछता है वो दुर्गति का पात्र होता है, अधोगति का पात्र होता है। यशस्तिलक चंपू में ये बात लिखी हुई है। फिर उसके बाद एक श्लोक और लिखा है, ताह शासनाधिरक्षार्थम कल्पिताः परमागमे अतो यज्ञांश दानेन माननीया सुदृष्टिभिः। ताः व्यंतराद्याः देवताः, पूर्व श्लोक से अनुवृत्ति आ रही है कि उन व्यंतरादिक देवताओं को परमागमे शासनाधिरक्षार्थम कल्पिताः, परमागम में अर्थात जिनेन्द्र प्रणीत शास्त्र में शासन की अधिरक्षा के लिए कल्पित किया गया है। कल्पित का अर्थ यहां पर व्यवस्थापित किया गया है, हिंदी में कल्पित का अर्थ कुछ और होता है। जैसे किसी ने कहा कि रात को मुझे सांप दिखा था, तो उसके मित्र कहते हैं कि तुम कुछ भी कल्पना करते रहते हो। तो वहां पर कल्पित का अर्थ है
तुम्हारी कल्पना, तुम्हारे द्वारा कल्पित। लेकिन यहां संस्कृत में कल्पित शब्द का अर्थ हिंदी वाली कल्पना से भिन्न है। यहां पर कल्पित का अर्थ होता है व्यवस्थापित। और इसका एक दृष्टांत भी आवश्यक है, क्योंकि हमने एक बात रखी आपके सामने तो उसकी पुष्टि के लिए कोई उदाहरण भी होना अपेक्षित है। श्रोता जो होता है आंख बंद करके श्रद्धा नहीं करता, और बहुत अच्छी बात है। आंख बंद करके श्रद्धा करने वाले हमेशा जिन शासन को क्षति पहुंचाते हैं। गुरु का आदेश आंख बंद करके माना जाता है, लेकिन गुरु का उपदेश आगम की आंख खोल करके स्वीकार किया जाता है। तो एक उदाहरण देते हैं आपको, भक्तामृत का 36वां काव्य किसी की स्मृति में हो तो बोलिए। उन निद्रहीम नव पंकज पुंज कांति पर्यल्लसन नख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। उसी धातु का प्रयोग है परि उपसर्ग के साथ में, अभिप्राय वही है। क्या लिखा है आचार्य मानतुम स्वामी लिखते हैं कि उन्निद्र हेमनव पंकज पुंज कांति, खिले हुए नवीन स्वर्ण कमलों के समूह जैसी है कांति जिनकी। और पर्युल्लसन नख मयूख शिखा विराम, चारों तरफ बिखरती हुई नखों की किरणों के कारण, उन किरण शिखाओं के कारण जो अभिराम अर्थात सुंदर हैं, ऐसे तव पादौ आपके दोनों चरण हे जिनेन्द्र, यत्र पदानि धत्त जहां पैर धरते हैं, पादन न्यासे पैर रखते हैं। ऐसा नहीं कि पैर ऐसे स्थिर रहते हैं और फिर ऐसे चले जाते हैं, पादन न्यास और पाद धारण करने का कथन है शास्त्रों में। पादन न्यास शब्द आपको नंदीश्वर भक्ति में मिलेगा, पादन न्यासे पद्मम सप्त पुनः सप्त पृष्ठतश्च भवन्ति, जिन्होंने पाठ किया सबको स्मरण होगा। तो पाद चरणों का न्यास होता है, रखा जाता है चरण, फिर ऐसे रखते हैं। तो जहां भगवान चरण रखते हैं उसके नीचे एक कमल रचना होती है। तत्र विबुधाः पद्मानि परिकल्पयन्ति, वहां पर विबुधाः अर्थात देवाः त्रिदशाः विभु पद्मानि कमलों की परिकल्पयन्ति, परिकल्पना कर देते हैं, रचना कर देते हैं। परिकल्पना का अर्थ क्या है, यहां पर रचना व्यवस्था है, उनको व्यवस्थापित कर देते हैं कमलों को। परिकल्पयन्ति का अर्थ क्या हिंदी वाली कल्पना है, अगर हिंदी वाली कल्पना अपन लेंगे तो फिर भगवान का जो कमल विहार है वो मात्र भल भक्त की कल्पना तक सीमित रहेगा, वो वास्तविक नहीं हो सकेगा। इसलिए कल्पना शब्द का अर्थ हिंदी वाली कल्पना न लेकर के जिन शासन की व्यवस्था के अंतर्गत उन शासन देवताओं को ग्रहण करना है, ताह शासनाधिरक्षार्थम कल्पिता परमागमे, वो शासन की अधिरक्षा के लिए परमागम में व्यवस्थापित हैं। कौन कौन? शासन देवता। अतो इसलिए सुदृष्टि भी, सम्यक दृष्टियों का अब क्या कर्तव्य है? देखो आचार्य महाराज क्रम से सारी बातें बता रहे हैं, आप उतावली नहीं करना। अभी आप पूछोगे कि प्रतिमाधारी का क्या कर्तव्य है उनके प्रति, तो प्रतिमाधारी का नंबर आने दो ना, अभी तो सुदृष्टि की बात सुन लो क्या कह रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं सुदृष्टि भी यज्ञांश दानेन माननीयाः। यज्ञांश किसे कहते हैं? यज्ञ का अर्थ पूजा होता है। महापुराण में एक श्लोक है जिसमें पूजा के पर्यायवाची वाची शब्दों का पूरा संग्रह है। क्रतु कहते हैं, पूजा कहते हैं, और भी इज्ज्या कहते हैं, अनेक शब्द हैं। तो उसका जो अंश है वो क्या है? पूजा का अंश जो है वो पूजा के द्रव्य है, क्योंकि अष्ट द्रव्यों से भगवान की पूजा होती है। तो जिससे पूजा हो रही है वो पूजा के अंश कहलाते हैं। तो आचार्य कहते हैं अतः
चूंकि वे जिन शासन की अधिरक्षा के लिए व्यवस्थित हैं परमागम में, इसलिए इसलिए सुदृष्टि भी माननीया, सुदृष्टियों के द्वारा वे माननीय हैं। अब फिर सावधानी रखना, अभी माननीय शब्द के अर्थ पर आप लोग बड़े वेग से चले गए होंगे, थोड़ा शांति रखो। हम आपको पढ़ के सुनाते हैं आचार्यों ने माननीय शब्द का अर्थ क्या लिखा। आपको सबको जानकारी होगी कि जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, वैसे ज्ञानाचार के 8 भेद होते हैं, और ज्ञानाचार के 8 भेदों में एक बहुमान आचार है। आप देखिएगा, प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी के 157 क्रमांक पृष्ठ पर बहुमाणे, प्राकृत में जो बड़ा प्रतिक्रमण है, बृहत प्रतिक्रमण में ही है ना, ये बृहत प्रतिक्रमण में ये जो पाठ आता है बहुमाणे, उसके ऊपर क्या लिखा है, तथ काले विनये उवहाणे बहुमाणे और निन्नवणे। ये जो पूरे 8 भेद हैं उनमें से कुछ नाम हमने पढ़े अभी। तो बहुमान शब्द का अर्थ क्या है, तो आचार्य लिखते हैं प्रभाचंद्र आचार्य, मानो द्रव्य भाव पूजा। मान का अर्थ क्या है, द्रव्य और भाव पूजा करना मान है। अब जो जैसा है उसकी वैसी पूजा होगी, ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो फट से कोई बोल दे कि अरे देवशास्त्र गुरु के अतिरिक्त किसी की पूजा करना घोर मिथ्यात्व है। इतना सरल नहीं है मिथ्यात्व और सम्यक्त का गणित कि आपने अपनी जिह्वा चला दी और कोई मिथ्या दृष्टि बन गया, और आपने अपनी जिह्वा इधर चला दी तो वो सम्यक दृष्टि बन गया। सम्यक्त और मिथ्यात्व वचन सिद्ध नहीं होते। यहां आचार्य कह रहे हैं कि मान शब्द का अर्थ द्रव्य भाव पूजा, और जिनवाणी के लिए कह रहे हैं कि मान मत करो, बहुमान करो। बहुशासो मानश्च तेन, उससे क्या लेना, गंध पुष्पादि प्रचुर द्रव्य पूजा युक्तेन सिद्धश्रुत गुरु भक्ति रूप प्रचुर भाव पूजा युक्तेन च। क्या अर्थ हुआ, भाव पूजा में क्या आया, सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, गुरु भक्ति, ये सब भाव पूजा हो गई, और द्रव्य पूजा में क्या हो गया, गंध पुष्पादि प्रचुर द्रव्य, गंध पुष्पादि जो प्रचुर द्रव्य होते हैं उनसे होने वाली पूजा द्रव्य पूजा है। तो आचार्य सोमदेव सूरी ने क्या लिखा कि सुदृष्टि भी ताहा शासन देवताहा शासन अधिरक्षकाहा माननीया। अब समस्या यह है कि कोई अगर शासन देवताओं की स्थापना के सामने खड़ा हो जाए तो ऐसा प्रशिक्षण मिला है आज के युग में कि वो खड़ा हो गया सो मिथ्या दृष्टि। अरे भाई, शास्त्रों में मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है, विपरीत श्रद्धानम मिथ्यात्व और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो फिर आपको पता है कि उसके दिल में क्या भावना है, वो क्यों खड़ा है। तो जब आपको उसके हृदय का ज्ञान, या तो फिर आप मन परे ज्ञानी हो जो उसके हर बात जान रहे हो, और अगर नहीं हो, क्योंकि पंचम काल में मन परे और अवधि ज्ञान है नहीं, 1000 साल में एक मुनि अवधि ज्ञानी होंगे, तो फिर आप कैसे जान गए कि उसकी क्या भावना है। यदि वो सेवक को सेवक और स्वामी को स्वामी मानता है तो मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया, प्रश्न है ना। जो सेवक को सेवक मान रहा है और स्वामी को स्वामी मान रहा है, वो इनको भगवान नहीं मान रहा, तो फिर मिथ्या दृष्टि कैसे हो गया।
किसी का उसके योग्य सम्मान करना मिथ्यात्व कहां से हो गया? और आचार्य समंतभद्र स्वामी ने क्या कहा, जिन भक्त और जिन भक्त ये सब एक समूह के माने जाते हैं, तो जिन भक्त की अपेक्षा से अपन विचार करें तो परमेश्वरों को अपन थोड़ा सा अलग रखते हैं अभी, बाकी जितने लोग हैं वो सारे जिन भक्त, चाहे व्रती हो या अविरत हो, वो जिन भक्ति की अपेक्षा से एक कुछ समानता को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। तो अब समंतभद्र आचार्य महाराज ने वात्सल्य अंग का वर्णन करते हुए लिखा है, और उसमें भी आपको बड़ा अचंभा होगा, रत्नकरण श्रावकाचार में अपन पढ़ते हैं वो टीका, केवल एक शब्द का अर्थ देख लेंगे अपन। रत्नकरण श्रावकाचार में वात्सल्य अंग वाला श्लोक कौन सा है? स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथा पीत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। ये 17वां श्लोक है रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ का। हिंदी ढूंढारी आदि भाषाओं में व्याख्यान करने वालों ने जो भी लिखा उससे निरपेक्ष होकर के हम जो मूल में लिखा है उसका अर्थ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अथ वात्सल्य गुण स्वरूपम दर्शने प्रकटयन नाह, सम्यक दर्शन में वात्सल्य गुण का जो स्वरूप है उसको प्रकट करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, स्वयुत्थान प्रतिसद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। वात्सल्यम सधर्मिणी स्नेह, वात्सल्य का अर्थ होता है सधर्मा जनों के प्रति, सधर्मी जनों के प्रति, सधर्मणि होना था पाठ, सधर्मा जनों के प्रति स्नेह का नाम वात्सल्य। अभिलप्यते प्रतिपाद्यते, वात्सल्य उसे कहा जाता है। कासो कैसा होता है वो? प्रतिपत्ति ही पूजा प्रशंसादि रूपा, वो पूजा और प्रशंसा रूप होता है। तो सधर्माजन में कौन आएंगे? ये श्रावकाचार ग्रंथ है, एक सामान्य गृहस्थ है, कोई व्रती भी हो सकता है, कोई व्रती न भी हो, तो उनके लिए सधर्माजनों में क्या गुरु महाराज आएंगे? गुरु महाराज तो उनके उपास्यों में आएंगे, तो सधर्माजनों में कौन आएंगे? अपने ही जैसे जो अनुव्रति अथवा अव्रति जन है वो आएंगे। अब क्या सिर्फ मनुष्य गति वाले जीव आएंगे या अन्य गति के जीव भी आएंगे? जैसे श्री राम जब सीता जी के साथ मिलकर गुप्ती और सुगुप्त मुनिराजों को आहार देते हैं, तब एक जटायु नाम का जो पक्षी था वो भी वहां पर उस दान की अनुमोदना करता है, और फिर मुनिराजों के चरणों का गंधोदक पीने लग जाता है, और उस गंधोदक में वो स्नान भी कर लेता है, और उसके पूरे पंख जो थे बिल्कुल सुनहरे हो जाते हैं, चोंच मूंगे जैसी हो जाती है, पैर इंद्रनील मणि जैसे हो जाते हैं, और फिर वो एकदम रूपांतरित हो जाता है। तो सीता जी पहले तो उसको कुरूप अवस्था में देखती है, तो थोड़ा सा मन वो होता है, विचलित होता है कि अरे ये क्या कर रहा है, गुरुओं के चरणों का गंधोदक दूषित कर रहा है। लेकिन देखते ही देखते उसमें ये जो परिवर्तन होता है, ये जो अतिशय चमत्कार होता है, तो उसको देखकर वो अचंभित हो जाती है सीता जी। फिर अंत में जब आहार आदि सब संपन्न हो जाते हैं, तब वो पक्षी गुरु, दोनों गुरु एक चट्टान पर विराजमान हो जाते हैं, वो पक्षी वहां सामने आता है और आकर के कैं 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 रोने लगता है वो अपनी भाषा में। तब श्री राम पूछते हैं कि हे गुरुवर, इसको क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है? तब गुरु महाराज उसके भावांतरों का वर्णन करते हैं, और वो पक्षी सम्यक दर्शन को और अणुव्रतों को अंगीकार कर लेता है। और जब मुनिराज आकाश मार्ग से प्रस्थान करने वाले होते हैं, तब वो कहते हैं कि हे राम, ये पक्षी अणुव्रति बन गया है, ये अब अभक्ष का सेवन नहीं करेगा, ध्यान रखना।
तब श्री राम कहते हैं कि हे गुरुवर, ये हमारा सधर्मा बंधु है, हम क्यों नहीं रखेंगे इसका ध्यान। और फिर सीता जी ने उस पक्षी का नाम जटायु रखा, पहले नाम कुछ और रहा होगा, जो भी था गृद्ध पक्षी था। तो उसको अपने पुत्र जैसा पाला और राम रावण युद्ध का सबसे प्रथम योद्धा वो जटायु पक्षी था, उसने प्राण दे दिया। और मरणासन्न होने पर श्री राम के मुख से महामंत्र सुना और पंचम स्वर्ग में महार्धिक देव बन गया अनुव्रती जटायु। तो ये वात्सल्य था कि नहीं था? अब प्रश्न आता है कि यदि तिर्यंचों के प्रति भी शलाका पुरुष जैसे सम्यक दृष्टि जीव अपनी पत्नी के साथ, सती पत्नी सीता जी के साथ वात्सल्य का बर्ताव करते हैं, तो फिर जो जिन शासन के अधिरक्षक देवता है उनके प्रति क्या सम्यक दृष्टियों का वात्सल्य होना अनुचित है? और वात्सल्य का अर्थ यहां क्या लिखा है? पूजा प्रशंसादि रूपा। वात्सल्य केवल प्रेम रूप नहीं है, सम्मान रूप भी है। आप देखिएगा, जो वास्तविक प्रेम होता है उसके अंदर एक सम्मान भी होता है, एक रिस्पेक्ट होती है। तो यहां पर उसको वात्सल्य कह रहे हैं। पर लेकिन एक शब्द और लिख दिया इसमें, यथा योग्यम प्रतिपत्ति। यथा योग्य पूजा प्रशंसा करना, ऐसा मत कहना कि हे शासन देवता, आपने लाखों जीवों को संसार से पार लगाया है, सो मुझे भी इस संसार समुद्र में डूबने से बचा लो और मुझे भवसागर के पार लगा दो, मुझे सिद्धालय पहुंचा दो। ये प्रार्थना उनसे मत करना, उनके जो गुण है उनकी प्रशंसा कर लो कि आप जिन शासन के अधिरक्षक हैं, आपने अनेक संकटों से, चाहे वो मुगल काल के संकट हो, चाहे और किसी प्रतिकूलता के समय आने वाले घोर संकट हो, कितने संकट आ चुके हैं जिन शासन के ऊपर, पता है आपको? कितने मंदिरों का विनाश हो चुका है और कितने शास्त्र जला दिए गए हैं। तो उस समय ये रक्षा करते हैं। और एक मर्यादा है, कारण कार्य विधान में जो कर्म और नौकर्म का योगदान है उसकी सीमा का उल्लंघन करके वो कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मंदिरों से चोरियां होती तो ये शासन देव कहां सोए रहते हैं। पहली बात तो तुम ये सीख लो कि देवलोग सोते नहीं है। जैन धर्म की ABCD में ये बात सीख लो पहले कि देवलोग सोते नहीं है। और फिर ज्यादा बोलना हो, अगर कठोर शब्द बोलने ही हो तो फिर कठोर शब्द सुनने की भी हिम्मत रखो। एक बात याद रखो कि ये शासन देवता शासन के अधिरक्षक हैं, मंदिरों के अधिरक्षक नहीं है। मंदिरों की रक्षा करना मंदिर बनवाने वालों का कर्तव्य है, ये जिन शासन के रक्षक। और जब बड़े बड़े जिन शासन के लिए समर्पित कार्यक्रम होते हैं तब देखिए इन देवों का योगदान कितना अद्भुत होता है। आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक बार पंचकल्याणक महोत्सव के अंत में भोपाल में लगभग जनवरी माह था, 2003 का सन था, जब वो 1.5 किलोमीटर की गजरथ की फेरी चली थी, उसके अंत में आचार्य ने ये बात कही थी कि देवताओं के सहयोग बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था। रिकॉर्डिंग सुन लेना, वहां पर कहीं किसी के पास मिल जाए तो। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के ये शब्द थे कि देवताओं के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। यहाँ आसपास विदिशा में और फिर इधर रायसेन में और इधर उधर सब जगह
ठंडी हवाएं, कहीं बारिश गिर रही है, कहीं पर एकदम शीत लहर चल रही है, यहां पर कुछ नहीं हुआ। और जब तक वो गजरथ की फेरी चली है, 7 फेरियां होती हैं सप्त परम स्थान को प्राप्त होने वाले जिनेंद्र की, तो वो जो 7 फेरियां होती है, वहां बुंदेलखंड की एक परंपरा है, तब तक ऊपर बादल रहे। दोपहर के समय की फेरी थी, तो ऐसी धूप भी नहीं थी जो जनता को चुभे, और भारी भीड़ के बीच वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो आचार्य ने अंत में ये बात कही थी, देखो द्रव्य समान होने से भाव समान नहीं हो जाते। गुरु पूजा में भी वही थाली होती है और प्रभु पूजा में भी वही थाली होती है, नहीं होती क्या? क्या इसका उत्तर क्या है? जिनको अनुभव है वो बता सकते हैं ना, कि प्रभु की पूजा के लिए जो आप थाल लेकर के जाते हैं और गुरु की पूजा के लिए जो थाल लेकर के जाते हैं, तो प्रभु गुरु नहीं है और गुरु प्रभु नहीं है, भावों में अंतर है। आप प्रभु को प्रभु मान करके पूजते हैं, गुरु को गुरु मान करके पूजते हैं, स्वामी को स्वामी मान करके पूजते हैं, और सेवक को यथा योग्य क्या मानकर पूछते हैं? सेवक मान करके। तो फिर कैसे दोष लग सकता है किसी प्रकार का? तो ये एक चर्चा थी। फिर अब व्रतियों की बारी आती है, तो ये एक ऐसी चर्चा है, इसमें वात्सल्यवश अपन उनका सत्कार करते हैं। एक स्थिति ऐसी भी आती है कि जब कोई लोभवश उनकी आराधना करता है। लोभवश कब करता है? जब वो ये जान लेता है कि देवों के पास बड़ी बड़ी शक्तियां होती हैं, तो इनको अगर हम प्रसन्न कर लेंगे, इनको अगर हम मना लेंगे, इनको अगर हम सिद्ध कर लेंगे, तो फिर हमारे सारे काम संपन्न हो जाएंगे और हम मनुष्यों के बीच हमारा प्रभाव भी बढ़ जाएगा। तो लौकिक कामना से अगर ऐसा कार्य किया जाता है, तो प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि उससे सम्यक तो मलिन होता है। किन देवों के प्रति? बोले जो जिन शासन की रक्षा के लिए निर्धारित देव हैं, उनसे अगर आप ये चाहोगे वरदान की प्राप्ति, तो सम्यक तो मलिन होता है। अगर विद्या देवताओं को आप सिद्ध कर रहे हैं, तो वो आपका अलग सा पुरुषार्थ है। बड़े बड़े सम्यक दृष्टियों ने भी तद्भव मोक्षगामी विद्याधरों ने भी विद्याएं सिद्ध की है। विद्याएं कैसे सिद्ध हुई है जानते हैं आप? विद्याओं की सिद्धि मंत्र के अधिष्ठाता, मंत्र और मंत्र द्वारा नमस्कृत जो भी हैं, इन तीनों की विनय से होती है। और मंत्र सिद्धि के लिए 3 गुण आवश्यक है साधक के पास। एक तो पूर्व भव का उसका पुण्य उदय में हो, पुण्य के उदय बिना इष्ट की सिद्धि नहीं होती। दूसरा उसमें साहस हो, क्योंकि अगर वो विद्याओं को सिद्ध कर रहा है, तो विद्याएं परीक्षा लेंगी, और परीक्षा लेंगी और उसमें अगर विचलित हो गया तो बड़ी दुर्दशा हो सकती है। तो साहस भी आवश्यक है। और तीसरी बात है मन की स्थिरता आवश्यक है। अगर मन अस्थिर होगा तो सिद्धि नहीं हो सकती। दशानन ने 24 दिनों की विद्या 8 दिनों में सिद्ध की, बहुरूपिणी विद्या। आचार्य रविशयन स्वामी ने लिखा है कि यदि कोई मुनि ऐसे ध्यान में बैठ जाए तो केवली हो जाए। कैसे ध्यान में? रावण जैसे। तो इतनी दृढ़ता थी। तो ये सारी बातें हैं। तो 3 विकल्प आ गए अपने सामने। कौन से 3? कुछ लोग भावनाओं में अंतर है तीनों में। बाह्य विधि तो एक जैसी चल रही है। एक की भावना यह है कि मंदिर में जो भी हो वो सब हमारे भगवान है, तो वो इनको भी भगवान मान रहा है, क्षेत्रपाल को, पद्मावती माता को भी भगवान मान रहा है, फिर गोमुख यक्ष आदि, धर्णेन्द्र आदि को, सबको भगवान मान करके पूज रहा है। तो ये मिथ्यात्व है, ऐसा आचार्य का संकेत है, क्योंकि अधोगति बिना मिथ्यात्व के नहीं होती। उन्होंने अधोगति लिखा है, लेकिन उसको दूसरी भाषा में अगर अपन कहें, सिद्धांत की भाषा में, तो अधोगति कौन से कर्म के कारण जाना पड़ता है?
किस कर्म के उदय से नरक गति का बंध होता है, नरक आयु का बंध होता है, नरक गत्यानुपूर्वी का बंध होता है? मिथ्यात्व। 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व कर्म से बंधने वाली, तो उसमें ये सम्मिलित है। अब दूसरी श्रेणी किन की है? दूसरी श्रेणी वात्सल्य से उनका सम्मान करने वालों की है। तो वात्सल्य तो सम्यक का अंग है, इसलिए वो मिथ्यात्व किसी 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 भी अपेक्षा से नहीं हो सकते वात्सल्य। तीसरी श्रेणी क्या है? लोभवश मुझे वरदान प्राप्ति हो जाए, तो लालच से अगर कोई ऐसा करता है तो आचार्य कहते हैं कि तुम मिथ्या दृष्टि तो नहीं बनोगे लेकिन सम्यक को मलिन करोगे, तुम्हारा सम्यक दर्शन मलिन होगा। चौथी श्रेणी क्या है जो अपन पहले देख चुके हैं? पहली प्रतिमा में जिसका निषेध किया था, संकट निवारण। संकट निवारण के लिए इनके आराधना नहीं करना है प्रतिमाधारी को। और अगर प्रतिमाधारी नहीं है तो विशेष परिस्थिति में संकट निवारण के लिए उनके पास चले भी जाते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां होती है, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अतिशयकारी जीवंत ये शासन देवताओं की स्थापनाएं हैं। जैसे आप देख लीजिए, स्तवनिधि है, देवपुरी है, महुआ जी है, कई स्थान ऐसे, तो वहां पर संकट का निवारण हो जाता है इनके निमित्त से। प्रतिमाधारी को निषेध किया कि संकट निवारण के लिए उनके पास मत जाओ। फिर पांचवी श्रेणी क्या है? आपने आचार्य शांति सागर महाराज जी की वो वीडियो देखी है? एक वीडियो है आचार्य शांति सागर महाराज जी का, देखो। चंद्र हीरा चंद दोषी अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। कैसे करें? आपको दिखा या नहीं पता नहीं, लेकिन इस वीडियो में एक विशेषता ये थी कि आचार्य शांति सागर महाराज श्री की गरिमापूर्ण उपस्थिति में एक थाल के अंदर जिनेंद्र भगवान और पद्मावती देवी दोनों का अभिषेक हो रहा था। क्या यह उचित था? ये एक प्रश्न आता है। फिर कुछ लोग कह सकते हैं, श्रद्धालु लोग, कि गुरुओं के बारे में उचित और अनुचित के का सोचना भक्तों को शोभा नहीं देता। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो भक्त पढ़े लिखे हैं वो क्या करें बेचारे, उनका मन तो चुप बैठ नहीं सकता। तो इसका क्या समाधान हो सकता है? तो इसका समाधान जब आगम का आलोड़न करते हैं तब ज्ञात होता है। धवल ग्रंथ की पहली पुस्तक में 20 पृष्ठों में निक्षेपों का वर्णन है, नए और निक्षेपों का। उसमें उन्होंने लिखा है कि मंगल शब्द का अर्थ पापों को गलाने वाला और मंगल शब्द का अर्थ पुण्य को प्राप्त कराने वाला होता है।
और भगवान से जुड़े हुए सचित्त अचित्त और मिश्र सभी द्रव्य मंगल होते हैं। आप समवसरण की जय बोलते हो कि नहीं? कैसे बोलते हैं? उसमें तो बहुत सारे असंयमी देव हैं, उसमें तो बहुत सारे रागी द्वेषी जीव भी हैं, तो किस अपेक्षा से जय बोलते हो? वो जिनेन्द्र की उपदेश सभा है, इस अपेक्षा से जय बोलते हो। उस संपूर्ण समवसरण को आप मंगल मान करके जय बोलते हो। इसी प्रकार जब अपन भगवान को और इन स्वामी और सेवकों को अलग न करके स्वामी के वैभव में इनको सम्मिलित करके जब आराधना करते हैं, तो भगवान का अभिषेक करते समय उनको भी आसपास रख करके अभिषेक करते हैं, तो यहां भी धार हो रही है, वहां भी हो रही है। उनको चौथे गुणस्थानवर्ती असंयमी रागी द्वेषी देवगति के देव मानकर के आप अभिषिक्त नहीं कर रहे हैं, उनको भगवान का वैभव मानकर, जैसे आचार्य मानतुम स्वामी ने लिखा, बुद्ध्या विना पि विबुधार्चित पाद पीठ। क्या अर्थ है इसका? विबुधार्चित पाद पीठ, विबुध शब्द का अर्थ मालूम है? देव। तो देवों के द्वारा अर्चित है पाद पीठ, यानी पैरों की चौकी जिनकी, तो भगवान के पैरों की चौकी अगर देवों के द्वारा अर्चित है तो क्यों अर्चित है? क्योंकि भगवान का संपर्क, भले भगवान छूते नहीं लेकिन ऐसे करके चल रहे हैं, तो वो जहां भी चल रहे हैं उनके चरण जहां पड़ते हैं वो तीर्थ बन जाता है। तो उनके पैर जहां पड़े हैं, स्पर्श हो या न हो इससे मतलब नहीं है, पर उनके पैर वहां आए तो उस चौकी की पूजा कौन करते हैं? देवलोग। तिलोय पंडित आदि ग्रंथों में लिखा है कि पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक होता है, उस अभिषेक से पहले देवलोग अष्ट द्रव्य से पांडुक शिला की पूजा करते हैं। तो जब पत्थर पूज्य हो जाता है और जब पैरों की चौकी पूज्य हो जाती है, तो फिर भगवान का वैभव अपूज्य कैसे हो सकता है? अब चलो पैरों की चौकी पूज्य हो गई, तो फिर सिंहासन पूज्य होगा कि नहीं होगा? जब पैरों की चौकी पूज्य है तो फिर बैठने का आसन अपूज्य कैसे हो सकता है? और अगर एक प्रातिहार्य पूज्य हो गया तो शेष प्रातिहार्य अपूज्य रह जाएंगे क्या? दिव्य ध्वनि तो पूज्य है ही, फिर बाकी प्रातिहार्य? और कई प्रातिहार्य ऐसे भी हैं जो अचेतन नहीं है, जो चेतना चेतन है। आप देखिए, देव दुंदुभी, सुर पुष्प वृष्टि, सुर चामर, ये सब क्या है? तो अगर प्रातिहार्य के रूप में अपन उनकी पूजा करते हैं भगवान के वैभव की, तो उसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है, क्योंकि उसमें चतुर्थ गुणस्थान वर्ती देवगति के असंयमी देव को लक्षित करके पूजा नहीं हो रही है। इसी प्रकार आचार्य शांति सागर महाराज जी के सामने अभी ये जो चित्र अपन ने देखा था, थोड़ा सा ये सिस्टम ऐसा है कि इसको अगर आप डायरेक्ट शो करते ना तो फिर इसमें अच्छे से दिख जाता, अपन उसको क्लिप बना करके डायरेक्ट भी दिखा देंगे सबको। तो ऐसा है कि वैभव के रूप में उनको रख करके वो किया जा रहा है, तो उसमें मिथ्यात्व का दोष नहीं है। समझ में आया आपको? पांच प्रकार से, पांच भावनाओं से इनकी आराधना हो रही है। पांचवी कौन सी भावना थी? कि ये भगवान का वैभव है, वो मान करके आप आराधना कर रहे थे। ये देवगति के देव है ये आप बिल्कुल निकाल चुके थे, आप दिमाग में नहीं था ये भगवान का वैभव, चेतन हो अचेतन हो या मिश्र हो आप आराधना करते हैं, तो फिर वो गुण श्रेणी निर्जरा का कारण बन जाता है, क्योंकि अब उस वो जो संबंध है वो सधर्माजनों का संबंध नहीं रहा, अब जो संबंध है वो जिनेन्द्र भगवान के वैभव के रूप में अपने अंदर आ गया वो संबंध। तो एक ही वस्तु है, उसको आप सधर्माजन के रूप में आप पूजेंगे तो फिर उनका सम्मान अलग श्रेणी का होगा, उनकी विनय भिन्न प्रकार की होगी, और अगर उनको भगवान के वैभव के रूप में आप सम्मानित कर रहे हैं तो फिर वहां पर वो विनय एकदम भिन्न श्रेणी की होगी।
तो ये पांच श्रेणियां हैं। तो प्रथम प्रतिमा में ये चर्चा थी, दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत संलेखना भी थी उसमें, तीसरी में 3 बार सामायिक, चौथी में प्रोषधोपवास, उसकी भी 3 श्रेणियां थी। उत्तम में तो पूरा उपवास रहता निर्जल और 48 घंटे तक जागरण करना होता है और विकथा से दूर रहना होता है, धर्म ध्यान करना होता है। और मध्यम प्रोषध में केवल जल लेते हैं, 1 बार प्रासुक जल का सेवन करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं लेते हैं और बाकी धार्मिक अनुष्ठान ज्यों के त्यों रहते हैं। जगन्य में एकाशन करते हैं यानी 1 बार भोजन करते हैं, लेकिन 1 बार भोजन में भी 1 बार परोसा हुआ भोजन, 1 बार भोजन में भी, ये एक विधि हो गई, 1 बार परोसा हुआ भोजन एक स्थान कहलाता। फिर उसके और भी विकल्प हैं, अथवा आप निर्विकृति ले लीजिए, बार बार परोस रहे लेकिन रस आप एक भी नहीं लेंगे, वो दूसरा विकल्प हो गया। अथवा तीसरा विकल्प है कांजी का हार ले लीजिए। कांजी का हार क्या होता है? भात का जो मांड है वो ले रहे हैं और उसमें कुछ भात के दाने भी आ रहे हैं, थोड़े बहुत नीचे तलवे में रहते हैं, तो उसका ही सेवन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं ले रहे हैं। ये एक तरीका है। तो इस तरह जगन्य प्रोषद होता है। पंचम प्रतिमा में क्या था? सचित्त त्याग, यानी आप कच्ची वनस्पति का सेवन नहीं करेंगे। कच्ची का अर्थ यहां पर जो पौधे से ही कच्ची प्राप्त हुई है उसका सेवन नहीं करेंगे। अभिप्राय यह है कि आप सजीव अवस्था में पत्तियां फल आदि किसी का भी सेवन नहीं करेंगे। पूजा का विषय अलग है, उसका आप भक्षण नहीं करेंगे, भोजन में उसका नहीं लेंगे ग्रहण। और इसके बाद छठी प्रतिमा में दिन में ब्रह्मचर्य रहेगा आजीवन, और रात्रि में चारों प्रकार के भोजन का त्याग होगा, औषध आदि कुछ भी नहीं लेंगे आप। और सप्तम प्रतिमा में आजीवन ब्रह्मचर्य हो जाएगा। भले ही वैवाहिक जीवन हो, पति पत्नी हो, पर फिर भी ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में वहां पर कोई वैसा संबंध परस्पर नहीं रहेगा। कभी कोई बीमार पड़ जाए, सेवा करने का अवसर आ जाए, तो पति पत्नी की परस्पर सेवा हो सकती है, उसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। स्पर्श करने से ब्रह्मचर्य में दोष नहीं होता, वो भावों पर निर्भर करता है, विचारों से विकार उत्पन्न होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो सेवा अधिक करने में कोई दोष नहीं है। अभी यहाँ पर संलेखना हुई थी माता जी की, तो उनके दीक्षा पूर्व के जो पतिदेव थे वो भी सेवा करते थे, पर उनके अंदर कोई वैसी बात नहीं थी, तो उसमें ब्रह्मचर्य निर्दोष रहता है। अब आठवीं प्रतिमा में आजीविका का त्याग होता है। जो भी आपकी कमाई है, आप व्यापार धंधा, खेती किसानी, पशुपालन अथवा जो भी आपकी आजीविकाएं हैं, उस पर आप विराम लगा देते हैं। कोई और करे तो करे, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अपन 8 प्रतिमा अगर ले ली तो फिर कमाने का त्याग हो गया, संग्रह का त्याग नहीं हुआ। 9वीं प्रतिमा में संग्रह का त्याग हो गया, मकान दुकान आदि सब जहां जहां अपने नाम के प्लेट लगे थे हट गए, 9 प्रतिमा हुई। फिर 10वीं प्रतिमा में सांसारिक कार्यों में परामर्श देने का त्याग हो गया। 9वीं प्रतिमा तक परिग्रह का त्याग करने के बाद वो कभी कोई पूछता था तो उसको सुझाव वगैरह दे देता था, लेकिन अब 10वीं प्रतिमा में सांसारिक कार्यों में कोई भी सलाह नहीं देगा, कोई भी परामर्श नहीं करेगा। और 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक अवस्था हो जाती है, क्षुल्लिका बन जाते हैं या फिर एलक भी बन जाते हैं। 11वीं प्रतिमा में क्या विशेषता है, इसका विवेचन आगामी सत्र में अपन देखते हैं। और अभी जो बचा हुआ विषय है वो है मुनि धर्म। आज कौन सी तिथि हो गई? तीज हो गई ना, कल धर्मनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक दिवस है और परसों श्रुत पंचमी है। आज तारीख क्या है? 13 तारीख है। ठीक है, तो 10 प्रतिमाओं तक का
शास्त्रीय वर्णन अपन ने पढ़ा, अब ग्यारहवीं प्रतिमा का वर्णन आगामी सत्र में होगा। और ग्यारहवीं प्रतिमा के साथ फिर उससे ऊपर की जो अवस्था है, जिनेंद्र प्रणीत जो जिन शासन है उसमें, उसके ऊपर की भी चर्चा है, वो चर्चा आर्य का और मुनिराजों की है, उनका भी विवरण आगामी सत्र में अपन देख लेंगे। मग्गो मग्ग फलंतिय दुविहम जिन शासने समक खादम, मग्गो मुख उवाओ तस्स फलम होई निर्वाण। जिन शासन में दो ही चर्चा है, एक तो मार्ग और एक लक्ष्य मंजिल। मार्ग क्या है? मोक्ष का उपाय रत्नत्रय। और लक्ष्य क्या है? मोक्ष। इसी का नाम जैन शासन है, जैनम जैत शासन।